तो ये डैमेज कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे सपोज बर्फ़ है तो ये बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा, तो जब पिघलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर गर्मी होगी। तो ये बहुत ही यार ख़राब लगते हैं कि जब बहुत सारे व्लॉगर्स लद्दाख जाते हैं उसके बावजूद भी यार लद्दाख के ऊपर कुछ नहीं कह रहे हैं। यार हमारा देश पता नहीं कैसा देश है, अगर आप सही तरीके से बैठ के अगर आप सोचोगे ना, बहुत ही मतलब कि ना खिचड़ी वाला देश है, खिचड़ी। इतना भी अंदर नहीं जाने, इतना भी डीप नहीं जाने कि यार पुलिस आके आपको अरेस्ट करके लेके चले जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। ये बहुत ही यार शानदार मजेदार ब्यूटीफुल वाला ये ओपनिंग था व्लॉग का, आज तक का सबसे बेस्ट ओपनिंग है मेरे इस व्लॉग का। तो वैसे गाइस एक बात मैं आपको बताऊं, ब्लॉगर लोग ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, ठीक है, बहुत ही इतना सेल्फिश कि यार आप सपोज़ फॉर द एग्जांपल अगर अच्छा घर बनाओ, किसी ब्लॉगर ने आपको कांटेक्ट किया, उसके बाद वो ब्लॉगर आएंगे आपको घर दिखाने के लिए, एंड कल को जगह अगर आपका घर जल जाए ना तो उसके बाद नहीं आएंगे। तो ऐसे कुछ हो रहा है इंडिया पे। तो वैसे ये ब्लॉगर वाला जो बात है ये वीडियो के एंड में करेंगे, बट फिलहाल आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यार इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो ये टॉपिक कुछ यूँ है, सो इस टॉपिक का नाम है हैशटैग लद्दाख, और हम एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं हैशटैग सेव लद्दाख। तो जब लद्दाख का बात आता है ना, तब यार यूजुअली हमारे दिमाग में किस तरीके का इमेज आता है यार, पेंगोंग लेक, थ्री इडियट्स, क्लियर स्काई, माउंटेन, एनवायरनमेंट वहाँ का, सोनम वांगचुक, वहाँ के अच्छे अच्छे लोग, व्लॉग्स, कंटेंट, मोटो व्लॉग्स, तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। बट अभी फिलहाल अगर आप सेव लद्दाख करके अगर आप कहीं भी सर्च करोगे ना, तो यार बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो अभी लद्दाख का। हमारी जो डिमांड है वो फिक्स शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि आपको पता है पूरे लद्दाख को पता, पूरे इंडिया को पता है, और अभी लद्दाख को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। साल था 2019 जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आने ही वाली थी। इलेक्शन के दौरान लद्दाख वासियों के साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि यार जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आएगी तब सिक्स शेड्यूल लद्दाख में अप्लाई किया जाएगा। तो ये देखो, ये है यहाँ पे लद्दाख का मैप। एक्चुअली ये फुल लद्दाख का मैप नहीं है, लद्दाख तो बस इतना सा है एरिया, एंड इसका जो लेफ्ट साइड में ये है जम्मू एंड कश्मीर का, इसके नीचे पड़ता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, इसके साइड में पड़ता है पंजाब। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सिक्स शेड्यूल नहीं दिया गया, सिक्स शेड्यूल जिनके पास है ट्राइबल एरिया पे इंडिया के, सिक्स शेड्यूल मिलने से लोगों को एक पावर मिल जाता है उनका खुद का गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। सपोज 370 आर्टिकल जब हट गया था उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को उनका खुद का लेजिस्लेचर मिल गया था, जहाँ पे यार जम्मू एंड कश्मीर अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, बट लद्दाख के लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको हम कहेंगे यूनियन टेरिटरी, बट यहाँ पर लद्दाख के लोगों को प्रॉब्लम क्या है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो देखो यार, इस चीज़ को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बड़ा सा एक महल है, बंगला है, तो आप या फिर आपके नौकर, उनको मालूम है कि यार आपके महल पे यार किस कोने पे कचरा जमा होता है, एंड किस रूम का नल में लीकेज है, एंड किस रूम को रिफर्बिश करना जरूरी है, वो आप या फिर आपके नौकर को मालूम है, कोई आउटसाइडर्स को नहीं मालूम। तो सेम इसी तरीके से लद्दाख के लोगों को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता है कि यार लद्दाख को कैसा करके रखना चाहिए। तो बात बस वही है कि इनको चाहिए सिक्स शेड्यूल, जहाँ पर इनका खुद का जब गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो इनके गवर्नमेंट इनको अच्छी तरीके से समझते हैं, इनके प्लेस को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो बाद में जाके ऐसा ना हो कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर अगर ये लद्दाख हो तो यार वापस जाके इंडस्ट्री खोल दे, मैन्युफैक्चरिंग खोल दे, इसके थ्रू यार लद्दाख बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने वाला है। तो ये डैमेज कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे सपोज बर्फ़ है तो ये बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा, तो जब पिघलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर गर्मी होगी, तो उसके बाद पिघलते पिघलते यहाँ पे जितने भी लोग हैं लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ये है कि यार अगर एक बार बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया, गर्मी हो गया, लोग बीमार पड़ जाएंगे, उनका जो फ्यूचर है वो यार आम औरों के स्टेट जैसा हो जाएगा। सोनम वांगचुक का नाम आपने शायद सुना होगा, सोनम वांगचुक, तो ये कौन है? आपने शायद थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा, जो आमिर खान ने जिस
कैरेक्टर का जो पोर्ट्री किया था ना मूवी पे वो है सोनम वांगचुक, लेकिन मूवी पे नाम था कुछ फुंगसुक वांगडू करके था। बट अभी फिलहाल ना दो हफ्ते से मतलब कि 14 डेज से ये है भूख हड़ताल पे, एंड ये हर रोज रात को घर के बाहर सो रहे हैं -15 डिग्री पे, बहुत ही ज़्यादा ठंड, जहाँ पे ग्लास जम जाते हैं, ग्लास का रखा हुआ पानी जम जाता है, हर कुछ जम जाता है। तो इस तरीके से ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। बस मांग बस एक ही है कि आप हमें 6th शेड्यूल दे दो, हम अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, हम लद्दाख को प्रोटेक्ट करेंगे। या ये एक हक है एक्चुअली, ये डिमांड नहीं है, ये एक्चुअली ये हक है। ये दोस्तों लद्दाख के नेताओं के गृह मंत्रालय के साथ जो टॉक्स हो रहे थे वो विफल हो गए, फेल हो गए। और जैसा पहले कहा था, कल से मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ, ये 21 दिन या आमरण हो सकता है, आज दूसरा दिन है। जुले ग्रीटिंग्स फ्रॉम द हाइट्स ऑफ हिमालयाज इन लद्दाख, आई एम सोनम वांगचुक एंड आई एम स्टार्टिंग माय 14th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट अलॉन्ग विद सम 250 पीपल हु हैव बीन स्लीपिंग हियर आउट इन द ओपन विद मी। Temperatures have been -12 degrees last night with clear skies, and here this is the glass of water I had kept frozen solid. देखो इंडिया में ना तो मोर देन 50% ट्राइबल जिस स्टेट में है उनको 6th शेड्यूल दिया गया है, तो वहाँ पे खुद का गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। एज फॉर द एग्जाम्पल आसाम पे, आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है एंड मेघालय है, तो अभी तक 4 है, तो उसके बाद ये पांचवा इनको भी दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इनको देने में, क्योंकि यार कहीं ना ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल मुद्दा से अगर आप देखोगे तो यार बहुत कुछ होगा अंदर पे। बट अभी हम फिलहाल इतना अंदर हम डीपली हम इसे स्टडी नहीं करेंगे। तो लास्ट ईयर का जो डाटा है वो ये कहता है कि 6 से 7 लाख टूरिस्ट विजिट करते हैं हर साल लद्दाख। तो आप मान लीजिए यार 6 से 7 लाख में से कम मिनिमम भी यार 2 लाख तो यार ब्लॉगर होंगे, या फिर कंटेंट क्रिएटर मान लो, या फिर ट्रेवलिंग एंथुसियास्ट, या फिर कुछ भी कह लो यार, मुझे तो हंसी आती है, तो छोड़ो। तो बस मैं ये कह रहा था कि तो जितने भी सारे कंटेंट क्रिएटर या फिर ब्लॉगर जाते हैं लद्दाख कंटेंट बनाने के लिए, या फिर कुछ दिन पहले गए थे, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था पिछले 2 हफ्ते से जब से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि यार उनमें से यार बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर ने ना एक चीज़ नहीं कहा लद्दाख के बारे में। तो अभी आप ये क्रोनोलॉजी आप क्या समझ रहे हो, ये मैंने क्यों कहा था कि यार ब्लॉगर इतने सेल्फिश क्यों होते हैं। तो ये बहुत ही यार ख़राब लगता है कि जब बहुत सारे ब्लॉगर्स लद्दाख जाते हैं, लद्दाख में होकर आए, एंड आने के बाद अगर उनको ये मालूम है कि लद्दाख में अभी क्या चल रहा है, उसके बावजूद भी यार लद्दाख के ऊपर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इट्स अ वेरी शेम। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं ना जो ब्लॉगिंग को ऐसा करके देखते हैं कि यार जो अभी फ़िलहाल लद्दाख में जो मुद्दा चल रहा है ना वो ब्लॉगर वाले का जिम्मेवारी नहीं है यार वो उस चीज़ में कुछ बोले, उनका बस ये काम रहता है यार जाके कंटेंट बनाओ, लोगों को दिखाओ, उसके बाद घर आ जाओ, पैसा बनाओ, फिर से कहीं और जाओ। बट यार आप ये सोचो यार जो लद्दाख के लोग उन ब्लॉगर को देखते होंगे एंड कहीं ना कहीं फील करते होंगे यार इन लोग तो यार कुछ टाइम पहले आए थे बट यार अभी कुछ नहीं बोल रहे यार लद्दाख के बारे में, कैसा लगता होगा यार वहाँ पे लद्दाख के लोगों को देख के ये चीज़ में भी महसूस करके। क्योंकि यार मेरे 2 दोस्त हैं लद्दाख से, एक से मैं मिला हुआ, एक से मैं अभी तक नहीं मिला, बट बहुत साले से कांटेक्ट में है, हम मैसेज में बात करते हैं। अगर आप लद्दाख जाके आए हो, अगर आपको पता है कि लद्दाख में ये सब चीज़ हो रहा है, अगर आपने अभी तक लद्दाख के बारे में कुछ नहीं डाला हो ना, तो यार आपसे बड़ा बेशर्म कोई भी नहीं है, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या फिर बड़ा हो या फिर उससे भी बड़ा हो। तो मुझे लगता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्लॉगर का है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, एंड लद्दाख के ऊपर जो भी चीज़ चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप पोस्ट करो। जैसे कि मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, सोनम वांगचुक का जो भी पोस्ट आते हैं मैं वो सुनता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि यार ज़रूरी है तो यार मैं पोस्ट कर देता हूँ। पिछले 2-3 दिन से तो यार मैं पोस्ट कर रहा हूँ, बट यार मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, बीच में यार न्यूज़ सुनते रहता हूँ ना, तो ये है यार लोगों के पास आज टाइम ही नहीं है, ये अंबानी का शादी देखने है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उनको शेयर करना चाहिए वो शेयर नहीं कर रहे हैं यार। हमारा देश पता नहीं कैसा देश है, अगर आप सही तरीके से बैठ के अगर आप सोचोगे ना, बहुत ही मतलब कि ना खिचड़ी वाला देश है, खिचड़ी मतलब कि आप मिक्स हो गए हो अंदर पे, अगर आप ज़्यादा घुसोगे ना आप समझ नहीं पाओगे यार निकले कैसा करके। इतना भी अंदर नहीं जाने, इतना भी डीप नहीं जाने कि यार पुलिस आके आपको अरेस्ट करके लेके चले जाए, बस ऊपर रहो। बट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपका एज अ ब्लॉगर, बस उतना करो, पोस्ट करो लद्दाख का जो भी सीन, लिखो
#SaveLadakh या फिर जैसा मैंने लिखा है, एंड शेयर करो यार अपने ऑडियंस के साथ। यार मेरे इतनी ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस नहीं है मेरे पास, 100 लोग देखते एटलीस्ट, उनको उन तक यार ये चीज़ पहुंच जाए ना तो बहुत है मेरे लिए। एंड ये सब चीज़ के लिए ना मैं ज़्यादा डीपली समझाता नहीं हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर समझाता हूँ बेसिक सा चीज़, बाकी आपका काम है। नीचे जाओ, खोदो उस चीज़ को, निकालो, देखो, पढ़ो। तो टाइम तो है यार, ऐसा मत बोल गया हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत है आप लोगों के पास। तो ठीक है, चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टेक केयर। Safeguards to Ladakh under the 6th schedule of the constitution. So this promise was made and they won both the elections with heavy majority. Governments were formed here in Ladakh, and after that they have dilly-dallied, and finally on March 4th they clearly refused to do it. So we don't want to set the wrong precedences in the country, that promises can be made in elections and there's nothing you can do.